CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। आज का हमारा अक्षर है फ। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम फ से फुर्तीला। लो बच्चों, मैं आ गया। नमस्ते नमस्ते, कैसे तुम सब? अरे हाँ, देर हो गई, बहुत लेट आए हो। लेकिन मैं तो समय पर आया हूँ। टाइम देख लो भैया, हम ही जल्दी आए हैं। हमें कहानी भी तो सुननी थी। अब समझा भैया, हम फुर्तीले भी तो हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, फुर्तीले तो हो तुम। क्यों ना आज मैं तुम्हें फुर्ती की कहानी सुनाऊं। फुर्ती सुना दो। तो बच्चों, मेरी कहानी का नाम है फा से फुर्तीला। फा से फुर्तीला। हाँ फुर्तीला, जैसे कि तुम फुर्तीले हो, है? तो बच्चों, एक था चूहा, नाम था उसका फूलम फूला प्रसाद। उसके पापा का नाम क्या था? तुम बताओ। झूलम झूला प्रसाद। अरे वाह, हर्ष ने कितना अच्छा बताया। झूलम प्रसाद। बच्चों, फूलम फूला जो चूहा था ना, वो था तो बहुत अच्छा, लेकिन एक कमी थी उसमें। वो जरा भी फुर्तीला नहीं था। बस वो खाता और सोता, खाता और सोता, इसलिए वो बहुत मोटा हो गया। हाँ, भारी भरकम, फूल कर कुप्पा। भालू की तरह हो गया। बस दिन भर पैर फैलाकर सोता रहता, ना नहाना ना धोना, ना ब्रश करके दांत साफ करना। बिल्कुल सही कहा। तो बच्चों, वो फक्कड़ सा दिन भर लेटे लेटे झूला झूलता रहता और खाता रहता। हाँ, फा से फैलाकर, फा से फक्कड़, फा से फूल, फा से फुर्तीला, फा से फल। शाबाश, बजाओ इसी बात पर जोरदार तालियां। तो भाई, वो सिर्फ खाता रहता था, सिर्फ झूला झूलता रहता था। फूलम फूला बिल्कुल भी फुर्तीला नहीं था। एक दिन वो लेटे लेटे झूला झूल रहा था। कितना मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, झूला झूलते हुए। जब वो झूला झूल रहा था, तो झूले की रस्सी का फंदा कमजोर होकर टूटा। हाँ, और डाल में फंस गया। फांसे फंसना, फांसे फंदा, फांसे फल, फांसे फफूंदी, फूल, फांसे फूल। भैया फांसे फिर क्या हुआ? फांसे फिर क्या हुआ? अरे वाह, भैया कहानी सुनाओ ना। हाँ, तो फिर क्या हुआ? झूला एकदम से गिर गया। फूलम फूला जो पैर फैलाकर झूले पर लेटा हुआ था ना, वो फिसल गया। फांसे फिसल। और ये क्या, मेरे कपड़े बट गए। फांसे फूटा, फांसे फटना, फांसे फोड़ना, फांसे फोड़ा, फांसे फुंसी, फांसे फिसल, फांसे फफूंदी, फफोड़ा, फफोड़ा, फफोला, फांसे फफोला, फांसे फफोला, फांसे फुलका, और फांसे फुलका, फांसे फिरकी, फांसे फसाना। हाँ तो बच्चों, फूलम फूला नीचे गिरा तो उसके कपड़े फट गए और माथा भी फूल गया। तो फांसे फूल, फांसे फूल, फांसे फटना। शाबाश, फूलना। हाँ तो बच्चों, जब फूलम फूला गिरा तो उसे चोट लगी, तो वो रोने लगा। मेरे तो कपड़े भी फट गए। और तभी बच्चों, वहां फुर्ती से एक चिड़िया आई। फांसे फुर्ती, फांसे फुर्ती। और जानते हो चिड़िया का नाम क्या था? क्या था भैया? चिड़िया का नाम था फुदकी। फांसे फुदकी, फांसे फुदकी। तो फूलम फूला फुदकी से बोला, फुदकी फुदकी दीदी, फुदकी दीदी, मुझे चोट लग गई, मैं क्या करूं फुदकी दीदी, मुझे चोट लग गई। हाँ, तो बच्चों, तब फुदकी ने फूलम फूला को फव्वारे में नहलाया। फांसे फव्वारा, फांसे
फव्वारा। भैया फांसे फुदकना। फांसे फुदकना। तो बच्चों फिर फुदकी ने फूलम फूला को नहलाया, फव्वारे में नहलाया, हाँ दांत साफ करवाए उसके, उसको साबुन से मल मल के उसे खूब नहलाया, खूब नहलाया, और फिर पानी डाल दिया। ले फूलम फूला ले नहा ले। आंख में मिर्ची लग गई। आंख में मिर्ची? अरे हाँ साबुन लग गया था ना। हाँ उसके बाद नहला धुला कर उसे पोंछा और पोंछने के बाद उसे नए कपड़े पहनाए। तब तक फूलम फूला का माथा जो फूला हुआ था ना वो भी ठीक हो गया। तब फुदकी ने फूलम फूला को खुद अपनी कहानी सुनाई। सुनो मैं भी बहुत आलसी थी, मैं भी बस पंख फैलाकर सोती रहती थी, बस खाना और सोना यही दो काम थे मेरे। धीरे धीरे मैं डाल फांदना, पंख फड़फड़ाना सब कुछ भूल गई। उड़ना भी भूल गई। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, उड़ना भी भूल गई थी वो। फांसे फांदना, फांसे फड़फड़ाना और फांसे फुदकना, फांसे फुदकी। बस लेटी रहती थी और खाती रहती थी, एकदम गंदी मैली कुचैली। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे पूरे शरीर पर फोड़े फुंसी निकल आए। भैया फांसे फोड़े फुंसी। फांसे फोड़े फुंसी, शाबाश। फिर फुदकी ने कहा, अरे फूलम फूला भैया, उसके बाद फिर मुझे अकल आई और मैंने आलस छोड़ दिया। अब मैं साफ सुथरी रहने लगी और सफाई भी रखने लगी। भैया मैं रोज़ नहाता हूँ। अरे वाह, मैं दांत भी साफ करता हूँ। ये तो अच्छी बात है। और फिर फुदकी बोली, अब मुझे अकल आ गई है, अब मैंने आलस करना छोड़ दिया है, अब मैं साफ रहने लगी हूँ और सफाई भी रखने लगी हूँ, दांत भी साफ करने लगी हूँ, खाने भी लगी हूँ, हाँ फुर्ती से काम करने लगी हूँ। अब देखो मेरे फोड़े पुंसी बिल्कुल ठीक हो गए। और पता उसने आगे क्या कहा? उसने कहा, देखो फूलम फूला भैया, अब भी समय है, समझ जाओ और फुर्ती अपनाओ। अब फूलम फूला को ये बात समझ में आ गई थी बच्चों, और उसने आलस करना छोड़ दिया। कसरत यानी व्यायाम, एक्सरसाइज, शाबाश। हाँ तो बच्चों अब फूलम फूला फुर्ती का ये पाठ कभी नहीं भूला, क्योंकि वो बन गया था फांसे फुर्तीला। एक था चूहा फूलम फूला, फांसे फूलम फांसे फूला, सोता पैर फैला कर फूला, फांसे फैला फांसे फूला, ना चुस्ती ना फुर्ती फूला, भक्कड़ दिन भर झूले झूला, फांसे फुर्ती भक्कड़ फूला, फंस गया फंदा गिर गया झूला, फिसल गया तब फूलम फूला, फांसे फंदा फांसे फंस और फांसे होता फूलम फूला। फुर्ती से आई चिड़िया खुद की, फांसे फुर्ती फांसे खुद की, कथा सुनाई उसने खुद की, फव्वारे में नहा के फूला, बात सुनी फिर कहे जो खुद की, फांसे फव्वारा और फूला, फांसे फिर और फा खुद की, फांसे फव्वारा और फूला, फांसे फिर और फा खुद की। पंख फैला कर सोना और खाते जाना, भूल गई मैं डाल फांदना और पंखों को फड़ फड़ाना, फांसे फांदना फैला खुद की, फांसे फड़ फड़ाना, फांसे फांदना फैला खुद की, फांसे फड़ फड़ाना। दातुन और नहाना छोड़ा, फिर ना फुदकना छोड़ा,
आई अकल भैया जब मेरे निकले फुंसी फोड़ा। हंसे फिरना और फुदकना फंसे फुंसी फोड़ा, हंसे फिरना और फुदकना फंसे फुंसी फोड़ा। मैं चूहा राजा जो सीखा पाठ कभी ना भूला, फल खाता और कसरत भी करता हूँ मैं फुर्तीला। चूहे ने अब आलस छोड़ा और बना फुर्तीला, मैं फूला फुर्तीला अब तो मैं चूहा फुर्तीला। मैं फूला फुर्तीला देखो मैं फूला फुर्तीला, मैं फूला फुर्तीला देखो मैं फूला फुर्तीला। भासे फुर्तीला। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम भाषा परामर्श डॉक्टर नीलकंठ कुमार, भाषा शिक्षा विभाग NCERT, कलाकार प्रवीण शर्मा, बाल कलाकार लवीश, नमन, निशांत, चारू, नीरू, मौलिक, हृदय और सोफिया, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर नेहा, रक्षित, आभा, मेघा, खुशबू, ममता और आरुषि, ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो, आलेख, गीत, निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।